YouTube फैमिली, सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और मैं सोनाली आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अभी ना दोपहर का बज रहा है 1, और मेरे हस्बैंड जी ना मतलब आए हैं काम पे से, उनको अभी खाना बनाना है। तो अभी मैं कपड़े धो रही थी, घर के बाकी काम हो गए हैं, तो खाना चैनल राहुल डॉट सोनाली। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं सोनाली आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो अभी ना दोपहर के बज रहे हैं 1:15, 1:15 पूरे हो रहे गाइज। और अभी मैं कपड़े धो रही थी क्योंकि धूप, आज काफ़ी दिनों बाद धूप निकली है, तो मैंने सोचा चलो कपड़े धो लेते हैं। तो अभी मेरे हस्बैंड जी भी काम पर से आ गए हैं, चलो तो काम पर से आ गए हैं, कपड़े धो रहे थे, मन कर गया चाय पीने का, तो अभी हम लोग चाय पे आ गए हैं। तो अभी हस्बैंड जी अपने कबूतर को दाना खिला रहे हैं, आप सभी को मैं दिखा देती हूँ। तो आप सब देख लिए हो, वहाँ पे कबूतर दाना खा रहे हैं सारे। धूप बहुत ही तेज़ आज निकली है काफ़ी दिनों बाद, क्योंकि बारिश का मौसम बना था फ्रेंड, और ठंड भी हो गई थी, और रात में इतना सारा धुंध हुआ ना यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो गया था पंजाब में, पूरे पंजाब में हुआ या नहीं हुआ, बट हम लोग जहाँ रहते ना वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कोहरा हो गया था रात 8-9 बजे के करीब में। और अभी मैं चाय के मज़े ले रही हूँ, तो आप सभी आ जाइए चाय पी लीजिए। और फ्रेंड मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, आप सब उसको भी देखा करिए, उस पर भी अपना प्यारा आशीर्वाद बनाया करिए। तो शॉर्ट वीडियो पे ना आजकल व्यूज नहीं आ रहे मेरे, चाय बहुत ही टेस्टी बनी है, थक गई हूँ मैं, अभी कपड़े धोने बाकी ही हैं और बैठ के अभी चाय के मज़े ले रहे हैं। तो आप सब आ जाइए चाय पी लीजिए। और ये देखिए 2 कप चाय है मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, एक मेरा एक मेरे हस्बैंड के लिए है। खाने में मैं बनाई हूँ अभी चिकन पड़ा हुआ था, तो फिर मैं चिकन बनाई हूँ और साथ में रोटी बनाऊँगी। चिकन हमारा बन गया है, रोटी बनाना है। तो आप सभी कबूतर के ना मतलब दवाई खिलाए हैं, शायद ठीक नहीं है, इसलिए कबूतर को दवाई खिला रहे हैं मेरे हस्बैंड, और वही देख रहे थे उसको, पता नहीं क्या हो गया है, शायद तबीयत ठीक नहीं है उसका, जिसकी वजह से वो दवाई खिला रहे हैं उसे। अभी आते फिर मैं पूछूंगी, बाकी देखिए कबूतर। तो अभी आते हैं ना, फिर बताएंगे कि क्या हुआ उसे। और मैं लाइनर वगैरह लगाई थी, इसलिए काले से थोड़े आँख लग रहे मेरे, इग्नोर करिएगा। मैं अभी धो चुकी हूँ ना मुँह को, मैं मतलब अपना मेकअप रिमूव कर चुकी हूँ, ज़्यादा मेकअप नहीं करती मैं, लाइनर लगाने का थोड़ा 2-3 दिन से शौक मुझे भी हो गया है। तो लाइनर लगाने के बाद आके कैसी लगती है आप सब बताना। कपड़े धो रही हूँ मैं, बाकी कपड़े धूप में मैं डाल भी दी हूँ, बाकी के धो रही हूँ। तो चलिए गाइज अभी मेरे हस्बैंड जी जब आते हैं फिर आप सभी को दिखाते हैं, तब तक मैं चाय पी लेती हूँ, फिर आप सभी से मिलती हूँ। तो गाइज अभी हस्बैंड जी मेरे आ गए हैं, इधर देखिए खाना बन गया, लाती हूं। हेलो फ्रेंड्स, और सब कैसे हो? अभी फ्रेंड्स आए हैं काम पे से, तभी देखिए खाना खाएंगे फिर जाएंगे काम पर, अभी थोड़ी देर में चलिए खाना जाके है। तो का क्या मतलब, बनाई हूं यही है, क्या पता बनाई ना हो। चिकन बनाई, चिकन अच्छा, तो जल्दी आ जल्दी फिर चिकन तो खाया जाएगा गाइस घर पे। चिकन खाएंगे, चिकन मैंने सोचा बच्चे भी आएंगे खा लेंगे, कल के बोल रहे थे खाने के लिए, खाए नहीं थे ना, खा लेंगे। चाय बहुत ही टेस्टी बना है, मैं नहीं बनाई हूँ कहीं, मतलब बना हुआ था वहाँ से पीने के लिए मंगाई हूँ मैं, किसी के घर से गई, क्योंकि मेरा बनाने का जी नहीं था, उनसे पूछे तो बोले बना है चाय, मैं लेते और फिर लेके आ गए। चाय ठंडी हो गई है,
अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा चाय पी के। मुझे लग रहा था मैं 3-4 दिन से चाय ही नहीं पी हूँ मन से। तो चलते हैं फ्रेंड, इनके लिए खाना लेके आते हैं। क्या बोल रहे रौनक? रौनक तो मम्मी को क्या बोल रहे हो? कैसे बोल रहे हो? आई आई यू। आई यू क्या होता है? फूल देने से। फूल देने से। की फूल देने से? फूल देने से आई लव यू होता है। अच्छा, आई लव यू बोल रहे हो? आई आई यू। फूल नहीं है वो, फूल। थैंक यू। अच्छा तुम लिपस्टिक देके कर लो, लिपस्टिक देके कर लो। दे दो थोड़ा सा, कर लेने दो फिर ले लेना। आ जा मम्मी को फिर से दे दो। डॉगी आ गया, ये डॉगी मिल गया। मैं भागू यहाँ पे, यानी ये तो दौड़ के रहा है। चलो जल्दी दो रौनक, रौनक जल्दी दो। Thank you. Thank you. I love you. मम्मी को बोलता रहो ना। मूवी आ गया। आ देखो पाल। अभी मेरे बच्चे मुझे प्रपोज कर रहे हैं, और आप सबके बच्चे आपको कैसे प्रपोज कर, देखिए एक एक समान, कभी लिपस्टिक कभी बिंदी कभी चूड़ी, सारा सामान वापस सजा कर रख दो। ठीक है, कुछ करने चलना, रख दो वहाँ पर, रख दो मम्मी का सामान। अच्छा मम्मी ले लीजिए, रख दो। थैंक यू। चलो ले जाकर रख दो। तो कोई भी चीज पा जा रहा है ना, उसको लेके आई लव यू कर रहे, प्रपोज कर रहे, लोग ऐसे मस्ती कर रहे। बेटा बिंदी उठा कर रख दो रौनक, अब फोटो लेके आएगा। देखिएगा गाइस, रौनक पैर नहीं लगाते। मम्मी आज कितना अंडा उधर दूसरे घर से आया, मैं करता आ जा अंडा। आई यू, थैंक यू। ये फूल देखो क्या काप गए मम्मी, मुझे तो गलत गए थे। ये मेरा पहले का फोटो है, शादी के पहले का फोटो। स्कूल में फंक्शन था ना, वहाँ पे हम लोग फंक्शन कर रहे थे। मिन्नू ले ले जाना जी, मिन्नू भी लग रहा है ना, मिन्नू का लेके जाना। मिन्नू लेके दिया नहीं, थप्पड़ पहना मेरे आते, तू लेके जाना बहुत। हाँ कल तो मम्मी के घर पे थी ना मैं, तो मैं इन लोग को लेके नहीं गई। मुझे बोल रहे थे कि मुझे अपना स्कूल दिखाना मम्मी, बट कभी जाऊंगी तो फिर मैं इन लोग को दिखाऊंगी अपना स्कूल, देखेंगे। कितनी बारी मुझे बोलते हैं कि तुम अपना, तो किसके किसके बच्चे बोलते हैं कि मम्मी तुम अपना स्कूल दिखाना मुझे, तो ये लोग बहुत परेशान करते हैं। तुम नानी के घर पे क्यों पढ़ने गई थी, तुम यहाँ से पढ़ सकती थी। बस रौनक अब रख दो। तो किसके किसके बच्चे तंग करते हैं बताइए मुझे, बोलता तुम नानी के घर से पढ़ाई क्यों की, यहाँ से पढ़ाई करना था ना, मेरे स्कूल में पढ़ना था ना। अब मैं इसको कैसे समझाऊँ बताइए। संभाल कर रख दो। और किसके किसके बेबी ऐसे बोलते हैं, आप सब कमेंट करके बताना मुझे। तो मेरे बच्चे बोलते हैं कि तुम नानी के घर पे गई, मुझे लेके नहीं गई नानी का। मेरी शादी का वीडियो देखे तो उसपे भी बोल रहा था कि तुम शादी की तो भी मुझे नहीं लेके गई। चल थैंक यू, जा अब सारा बिंदी उठा कर रख दो सारा सामान। तो चलिए फ्रेंड, मिलते थोड़ी देर के बाद।